यो 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 भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि भाई लोग आप सभी लोग दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे भाई और मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का दोस्तों यहाँ पर गाइस एक ही टेक्निकल पॉइंट की हमारी लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में। और जैसे कि दोस्तों आपने यहाँ पर पिछले एपिसोड में यहाँ पर देख लिया था कि फ्रैंकलिन ने यहाँ पर जो ट्रेवर का बच्चा है ना, ये मुझे एक ऐसे हकीम के पास लेकर गया। उसने पता नहीं मुझे कौन सी जादुई दवाई दोस्तों पिला दी जिससे कि मेरी बॉडी बहुत छोटी हो गई है। अब ये ट्रेवर यहाँ पर बैठा है, देखो दोस्तों मैं इसके बराबर में बैठा हूं, ना तो मैं गाड़ी चला पा रहा हूं ना भाई मैं यहां पर कुछ कर पा रहा हूं। ट्रेवर, हाँ भाई, हाँ यार बता क्या करे दोस्तों, इसके तो कपड़े भी इसके नहीं आ रहे, देख रहे हो। हाँ, इसको लंगोट में बिठाना पड़ा मुझे, तो वो हरे कलर का बिछा रहे कपड़े। पहले तो तेरे साइज के कपड़े खरीदने पड़ेंगे बच्चों के। हाँ यार, ये क्या हो गया यार ट्रेवर मेरे भाई, अब क्या करना पड़ेगा अब ये बता। हाँ भाई यार क्या करे भाई, अब तो जड़ी बूटी लेनी ही पड़ेगी जाके, पहले माइकल के पास चलते हैं। यार माइकल यार, वो उन लोग ना मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, वो बोलेंगे कल तो हमने तुझे छोड़ दिया था, अब तू गुटखा कहाँ से बन के आ गया यार। भाई कोई बात नहीं, फिर मदद तो लेनी पड़ेगी वरना जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा तू पौवा का पौवा। यार अब क्या करूँ, समझ गया, बिल्कुल पौवा जैसा लग रहा। तू तो कार में भी बैठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, अगर पुलिस वाले आगे से आगे तो ये सोचेंगे एक ही बंदा है बस, तेरा सिर सिर दिख रहा भाई। कम से कम कुछ दिख तो रहा है मेरे भाई, कुछ दिख तो रहा है। हाईवे वाली साइड से चल यार, मुझे दिख क्यों नहीं रहा ऊपर का भाई, तुझे कहाँ दिखेगा अब तो नीचे बस, क्या बताऊँ तुझे क्या दिख रहा होगा, मुझे डैशबोर्ड से दिख रहा है गाड़ी का बस। हाँ भाई बस यही देखता रहा तू बैठा, डैशबोर्ड के अलावा मुझे कुछ दिखेगा भी नहीं भाई, कुछ नहीं दिखना जंगल में जाके। यार भाई मेरी बात सुन, शेर शूर से पंगा मत लिए वहाँ। क्यों क्यों, पहले तो बहुत पंगा लेता था, शेर खा के तुझे डकार भी नहीं लेना, समझ गया। ड्राइवर मेरे भाई क्या ही बोलूं यार मैं इस सिचुएशन के बारे में। हाँ भाई यहाँ चुप हो जा यार, तू देख तो बोल नहीं ज्यादा लग गया यार, तू क्या छोटा साइज हो गया तेरा पौवा। हाँ कहाँ बैठा तू यार, ये देखिए दिखाई भी नहीं देता कभी कभी, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा तू यार, तो मजाक मत उड़ा यार, यहाँ देख लो ऐसा सीन हो रहा है जैसा खली नहीं है, खली। हाँ खली देखा तूने? हाँ देखा है, खली के सब सामने जब आम आदमी पहुँचता है ना तो ऐसा लगता है वो। यार मैं तेरे सामने ऐसा लग रहा हूं जैसे खली। मेरी बात तो सुन यार ना, लोगों के सामने मत रोकियो वरना सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम वगैरह पर फिर मेरी फोटो डाल देंगे मेरे भाई। हाँ भाई ये तो डाल लेंगे यार, जिमी देख रहा तेरा हाल क्या करेगा, जिमी के पास पहुंचने दे कि नहीं, नताशा भी है वहीं पे ही यार, वो तो उसी से शादी कर लेगी। एक काम कर, नताशा को अंदर ही रहने दियो, छोड़ यार, एक काम करियो भारी बुला लिया यार उन्हें। हाँ ठीक है बाहर ही बुला लेता हूँ मैं, घर में मत लेके जाइए, घर के बाहर ही खड़ा हो जाइए यहीं पे फालतू में, अगर वो फिर वहाँ बुलाएंगे और वो कुछ बोलेगा नताशा देख लेगी। परेशानी है, मैं कल फोन पे तो मैंने बता दिया था ये छोटा हो गया तो सब अभी क्या पता मजाक कर रहे होंगे, क्या पता उन्होंने सोचा मजाक, कोई मजाक नहीं करना कोई, अब तो ये जो हो गया तो हो गया भाई, ये किसी के साथ भी हो सके, अब तो इस तरह मत यार, तेरी वजह से हुआ ना, मैं तेरे पास आता मैं लमार के बाद हेलीकॉप्टर में सीधा मैं घर चला जाता, कुछ भी ना होता, तेरी वजह से हुआ तो चला जाता ना। अगर ये सोचे ना आदमी तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता है कि नहीं, एक जिंदगी है भाई, कुछ भी कभी भी हो सकता है। चल देख ऑटोमेटिक गेट लगावा यहाँ माइकल के घर में, खुल जा, आज तो दिखे सेंसर काम नहीं कर रहा है इनका, घर तो है भी है नहीं है, चुकी औलाद उसने लॉक लगा रखा। खुल गया चल आजा, चल मैं बाहर ही खड़ा रहता हूँ, है कि नहीं, क्यों नहीं बुला ला बाहर उनको, अबे मैं थोड़ी ना बुला के लाऊंगा, पीछे जाकर देख, पीछे तो नहीं है वे अपने घर के, ताला लगा हुआ है क्या घर के, तो घुस नहीं पा रहा, लॉक लगा हुआ है ना, खुल नहीं रहा बिल्कुल भी, खुल नहीं रहा। अबे यार एक तो ये पता नहीं कैसी दवाई है, मेरे आधे पैर तो हवा में ही है यार भाई, ना तो मैं पूरा ज्यादा खतरनाक, ना तो मैं पूरा जमीन के ऊपर टिक पा रहा हूं ना ऊपर कर पा रहा हूं, क्या है यार ये ड्राइवर चला रहा भाई, अगर तू बिल्कुल छोटा हो गया फिर तो दिखाई नहीं देना, ये भी शुक्र कर तू हवा में तैर रहा है। हाँ है कि नहीं, सही कह रहा है मेरे भाई, तो बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ नीचे है क्या कोई, फिर तो खाने पीने के लिए तो ये मकोड़े देने पड़ेंगे, कीड़ी मकोड़ा, क्यों देना पड़ेगा कीड़ी मकोड़ा, मैं सब कुछ खाऊंगा भाई, देख रहा है अगर तू जमीन से मिल जाएगा तो कोई नहीं है भाई यहाँ पे, कहाँ है लगता है शादी वादी में गए हुए कहीं। ड्राइवर देख कबूतर बैठे शिकार करना, कहाँ है कबूतर, बोरा बोरा बोरा, अरे पंछी को नहीं बस मार दिया तो ना, खुद कह रहा पंछी को नहीं मारते हैं भाई, यार तूने गलत सलाह दी है, जब भी तेरी साथ ऐसा हुआ है तो सही हुआ वैसे तेरी साथ। शिकार उठा ले इसे,
नहीं बस उठाएंगे नहीं, बस ठीक है। अबे वो कौन भाग रहा है ड्राइवर, वो देख पीछे, पर पता नहीं कौन है यार। माइकल को फोन कर दो यार, माइकल किधर है? ठीक है मैं फोन। मदद करोगे यार तुम सब? माइकल दादा, माइकल दादा हंसो मत यार मेरे ऊपर। देख रहा हूँ तुझे, तेरा क्या हो गया? मैं क्या हुआ? ऊपर वाले ने सजा दी है। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो बहुत छोटे हो गए अंकल जी, क्या हो गया? कौन सी दवाई पी ली तुमने? यार जी इसे ऊपर वाले ने सजा दी है, ये बहुत डॉन बन रहा था, लोगों को मार रहा था। अरे माइकल दादा, मैंने किसी को भी नहीं मारा, मैं आपके सिर की कसम खा के बोलता हूँ माइकल दादा, मैंने किसी को भी नहीं मारा। सिर की भी मेरी खाई है, मेरे सिर की कसम खाई है। मेरे पापा के सिर की कसम खा रहा है, इसका मतलब मेरे पापा को मारना चाह रहा, तो मारना चाह रहा। यार माइकल दादा मेरी मदद कर दो, वहाँ पे एक वो रहता है, वो कौन है वो? अबे ट्रेवर कौन था वो? एक हकीम है वो, तो वो हकीम ना एक पर्चा देगा, मैं कोई नक्शा से देगा, तो वहाँ जाकर वो दवाई सी मिलेगी। यार मेरी मदद कर दो दवाई दिलवाने में लाकर प्लीज यार जिमी भाई। हाँ चलो पापा इसकी मदद कर देते हैं, क्या करें बता, बोना हो गया बेचारा भाई, तेरे तो कपड़े भी छोटे हो गए होंगे। अरे जिमी ऐसा ही ठीक है, ये ऐसा ही ठीक लग रहा है मुझे तो। मदद नहीं करने जाएंगे, चल यार मेरी मदद कर दे प्लीज यार। नहीं हमें यार ड्राइवर तू भी बोल यार मदद कर दे यार हमारी, ड्राइवर बोल दे। हाँ जी माइकल साहब, फिर क्या करना है, आपके लिए आए हम यहाँ पे। क्या मदद है भाई, कहाँ जाना है, क्या मैटर है, मेरी तो वो समझ में भी नहीं आ रहा, ये बोना कैसे हो गया? यार ये बोना इसलिए हो गया कि इसको दवाई पिला दी एक हकीम रखता अरे है। अरे इसकी वजह से पिलाई है ये, लेके गया था मुझे ड्राइवर। पागल हो गया था पागल, मैंने सोचा इसको दवाई दिला देता हूँ, बहुत बोल रहा था, चिल्ला रहा था, खमा खाई ठीक है, तो उसने दवाई पिला दी, छोटा हो गया। अच्छा फिर अब वो बोल रहा है करने की दवाई मेरे पास है नहीं, और तुम्हें जंगल में जाना पड़ेगा, जटी बूटी लेके आना पड़ेगा वहाँ से तोड़ के। खतरनाक जगह है वहाँ, मैं अकेला नहीं जा सकता। तो खतरनाक जगह पे हम जाए हैं भाई, ये तीनों मिलके चलते हैं, हम चारों मिलके कम से कम। लेकिन ये बता इसकी मदद मैं करूं क्यों, ये तो दुनिया के पीछे पड़ रहा। अरे भाई मैं किसी के पीछे नहीं पड़ रहा, मुझे देखकर लग सकता है क्या मैं किसी के पीछे पड़ूंगा भाई? अब है ना माइकल, इसको ऊपर वाले ने सजा दे दी है, इसको पता चल गया अब, ठीक है चलो कोई बात नहीं। जड़ी बूटी अभी तो मेरे पास 2 दिन टाइम भी नहीं था यार, वो तो हकीम ही बताएगा कहाँ पे है, हम तो इसीलिए तुम्हारे पास। अरे यार चलो हकीम के पास चलते, चल भाई ड्राइवर इन्हें लेके। यार देख अब भी तड़ी दे रहा है, मतलब प्यार मोहब्बत से नहीं, अब भी देखो कैसे बोल रहा है। माइकल सर चलिए आइए, चलिए चलते हैं, रुक जाओ मैं, चलो चल ठीक है चलते हैं, अभी मेरे पास 2-3 कितने कहाँ है वो हकीम तुम्हारा? अरे ड्राइवर को पता, चल भाई ड्राइवर सर। मैं कूद रहा था, तू ऐसा ही ठीक लग रहा है यार मुझे, ऐसा ही सही है माइकल, तू चुप हो जा। अरे अंकल जी, हाँ आ जाओ, देख रहे हो तुम तो यार मेरी पैंट भी नहीं आएगी तुम्हारे तो, है ना, कैसे हो गए, हवा में उड़ रहे हो अंकल जी। चुप हो जा, चुप हो जा, दिखाई नहीं दे, अगर तेरे साथ ऐसा होता तो मेरे से ही शादी कर दी है भाई अंकल जी। अरे नतासा को तो बुला ले यार, जिम्मी बाहर नतासा को बुला। अरे चल ड्राइवर भाग, ड्राइवर जल्दी गाड़ी निकाल, ड्राइवर जल्दी नतासा को बुला। नहीं नहीं कार यार, इस कार में कम आएंगे मैं नहीं यार, मैं बैठूंगा मैं, चल गोचू। अरे हम कहाँ बैठे, जाओ फिर तुम जाओ, जिम्मी तू अंदर जा, जिम्मी अंदर जा, ये पौधा सा बैठ गया पहले ही चढ़ के, अब मैं कहाँ बैठूं, जाओ तुम चले जाओ। अब मैं निकल गए हैं और ये जिम्मी देखो कहाँ बैठ गया, मैं तुझे और कहीं जगह नहीं मिली वे जिम्मी। जबरदस्त जगह है यहाँ पे, बिल्कुल हवा खाता जाऊंगा, और अंकल देख कहाँ बैठा है बीच में। अंकल कहाँ है, तो मेरी इसे मेरी जेब में डाल दो यार तुम। बे यार तू चुप हो जाओ यार, माइकल चुप हो जा, पौवा हो गया बिल्कुल पौवा, मेरे कोट की जेब में आ जा यार तू। ज्यादा मत बोल, ज्यादा मत बोल, ज्यादा बोल रहा है, कल्ला चला रहा है, देख ले रस्सी, रस्सी ओ भाई रस्सी जल गई बुल्ली गए। तो है ना मेरे पापा की है ना बोतल के अंदर करूँगा अब तुझे फिट, तू ऐसा हो गया जैसे जिन का बच्चा। किसका बच्चा? अकल देख, जिन का बच्चा, जिन का बच्चा हो गया तू। ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा बोल रहा है, अपन ठोक देगा तेरे को। अच्छा जी देख रहा है कैसे बोल रहा है, ये देख ये देख माइकल क्या है, ले गए अभी तक, ये देख माइकल क्या है, हां जादू कर रहा है जादू, जादूगर से मिलवा दो इससे मुझे। हां जादूगर से मिलवा दो भाई, ऐसे ही मिलेंगे शायद।
ये कौन है भाई? ओ माइकल, मुझे भी निकाल ले गाड़ी में से। देख रहा हूँ कुछ नहीं है। बैठ रहो अंकल, तुम यही बैठ रहो बस, तुम कहीं नहीं जा पाओगे। नकली है, इसने हॉरर हाउस है, इसने डमी पहन रखी है, कुछ नहीं है। भाई यार मेरा इलाज आज करा भी दोगे तुम लोग या नहीं? तुम्हारे पे तो मुझे भरोसा से भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों कर रही है। बिना भरोसा करियो बिना, हां तू ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है। तुझे बहुत शौक था डॉन बनने का, देख रहा है बाल बाल दिखाई दे रहे तेरे भाई अंकल जी। अंकल नहीं, यार आज से तेरा नाम है ना, तेरा नाम आज से छोटू है। छोटू दादा ट्रेवर, आज से तेरा नाम छोटू दादा। अबे ट्रेवर मेरी बात सुन यार, तू है ना बहुत दादा बनना चाह रहा था ना, तो इसलिए तेरा नाम आज से छोटू दादा। चुप हो जा, जिम जैसे वो कॉमेडी छोटू दादा कॉमेडी फिल्म में बनाता है ना, बिल्कुल वही लग रहा है। ओए ट्रेवर मेरा यार दम घुट रहा है यार, मुझे यार पीछे बिठाइयो यार। अरे ठीक है, तू मेरी जेब में बैठ जा यार। अरे यार मुझे उसके पीछे जिमी के पास बिठा दो, वहां पीछे जिमी ले गोद में उठाइए मुझे। चल चल यार बिठा देते हैं इसको, वरना यार परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा। चल साइड में लगा लूं, हां साइड में लगा लेता हूं मैं, एक मिनट रुक जा। गोद में क्यों बिठा लिया तूने मुझे अपनी? जिमी का बच्चा लग रहा मेरी गोद में बैठ गया तू, कूद का के बता, ये तो बात गलत है ना। चल कोई बात नहीं, ये वजन मैं सह लूंगा, ये वजन मैं सह लूंगा। जिमी का बच्चा लग रहा गांव से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, देख रहे से हर कोई हमें देख रहा है। चल यार जल्दी, कौन है कहाँ है वो हकीम के पास लो यार गाड़ी, क्या कह रहा था वो तुम्हें? अरे ये ड्राइवर के बच्चे की वजह से हो गया, मुझे इसकी गोद में बिठा दिया जिमी की। वो दवाई मिल भी जाएगी ना इसकी बड़ा होने वाली? अरे मिल जाएगी, वो कह रहा था कि दवाई नक्शा दूंगा मैं, उधर उधर जाना पड़ेगा तुम लोगों को। अरे यार इतना तो हमारे पास टाइम भी नहीं है यार, मुझे अपने ऑफिस के काम भी देखने हैं, मैं तेरे चक्कर में कहाँ फिरूंगा भाई। मुझे नहीं पता गांव जाना है ना, गांव तो बहुत दूर है, वो अभी तो सफर देखो कितना लंबा लगेगा हमें। ओ चुप बैठ रहे बे तू, ज्यादा बोल ना मोटे। हां तू देख ले गोद में मेरी बैठा, उधर फेंक दूंगा उठा के, समझा रहा हूं तुझे मैं। पता मैं जिम से नीचे फेंक, करोड़ों का मालिक हूं मैं। हां करोड़ों का मालिक है, करोड़ों में दवाई लिया ना। क्या कर लोगे? हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो वापस जा सकते हैं बस यार, बस ये तो दोस्ती में करोड़ों में बड़ा होने की दवाई खरीद के दिखा दे। अबे यार प्लीज यार दोस्तों मेरी मदद कर दो भाई लोगों, प्लीज प्लीज मैं भाई कर तो मतलब साथी तो आए, इसीलिए तो आए यहां पे रेगिस्तान में, और मतलब हम इसके दोस्त हो गए। जिमी भूल मत, मैंने गाड़ी चलानी सिखाई तुझे, रिव्यू के लिए ले जाता था गाड़ी चलाते थे, मुझे पता है इसीलिए तो आ गया मैं तेरे साथ, वरना मैं आने वाला था का, मैं तो आता ही ना। तुझे रोना नहीं आया मेरी याद देख के? भाई रोना तो आया नहीं लेकिन हंस जरूर रहा। यही था वो पागल खुसट बूढ़ा। हाँ ठीक है, देखता है अभी, देखते हैं मेरे पापा देख लेंगे। मैं गाड़ी में बैठा हूँ जिमी के साथ यहीं पर, यार तुम देखो जरा। ट्रेवर मेरी हालत कैसी होगी, क्या कह रहा बुड्ढा हो? हाँ बता तो रहा है भाई, रास्ता बता रहा है, समझ ले। पूछ बेटो, हाँ खतरा बहुत है वहां से। अबे भाई तू बता दे बुड्ढे, कल तेरी वजह से पता नहीं यहाँ क्या क्या हो गया, गोली से मार दूंगा तुझे। फिर कल को कहोगे तो मेरी वजह से हमारी जान चली गई, पहले बताना सही रहे। अबे बुड्ढे अगर हम तुम्हारी तेरी वजह से मर गए तो तुझे बताने आने कौन बोल लेगा फिर? अबे भाई तमीज से बोल थोड़ा यार, तमीज से यार, इनके साथ एक तो तुझे बता रहे। ओ चुप हो जा बे, चुप हो जा, सीतापुर की चॉकलेट खिलाऊंगा वरना तुझे भी। यार उसे बच्चे को चुप कर लो, मैं फिर बताऊंगा तुम्हें। अच्छा चुप हो गया, बोल लो। ये देखो इधर को जाना तुम्हें। हाँ, ये सुरंग देख रहे हैं? हाँ देख रहे हैं। ये सुरंग देख रहे हैं? इस सुरंग में तुम्हें भूत प्रेत कोई भी मिल सके, और जंगली जानवर बहुत खतरनाक। अबे डरता नहीं, मैं डर रहे हैं जिम करे है, समझ गया तू बुड्ढे? अबे भाई तू चुप बैठा, चुप हो जा तू भाई। और देख माइकल इस जगह, ये सबसे खतरनाक नदी है, इस नदी में तुम्हें बहुत दैत्यकार भूत मिलेंगे,
खतरनाक खतरनाक भूत मिलेंगे, तुम्हें हर तरीके का पढ़ा हुआ पानी ले जाना पड़ेगा और हर तरीके के तुम्हें विद्या लेके जानी पड़ेगी वहां बचने के लिए। अबे डरता नहीं मैं किसी के भूत के बाप से भी, समझ गया तू, ज्यादा बोल ला बुड्ढे। अरे भाई तू पहले पौवा हो गया भाई, चुप बैठा रहो, चुप हो जा तू, पौवे चुप हो जा वरना तुझे दूध में घोल के पी जाएंगे हम तीनों, समझ गए। मैं कुछ करता नहीं यार। तो भाई ये नक्शा देखो, यहाँ से 1000 किलोमीटर है ये सुरंग, समझ गए। अबे पता है मुझे, पता तो चला जा, मैं नक्शा फाड़ के फेंक रहा। अच्छा 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 अच्छा, दिखा दिखा दिखा, देख ले भाई माइकल ये सारा नक्शा, समझ ले और इसे मैं तुझे दे दूंगा, इसकी फोटो स्टेट करा के लेता जा। ठीक है चलो ले लेते हैं, चलो भाई चलो चलते हैं। और भाई थोड़ा अपने हथियारों से लैस रहना, तुम्हें हथियार अपने गाड़ी में बड़े बड़े हथियार लेके चलने हैं तुम्हें। चिंता मत करो तुम हकीम साहब, चिंता मत करो। और रास्ते में खतरनाक है, ये जो तुम फैंसी कार ले रहे हो नहीं वहां जाने की, वहाँ लोग बाग घोड़ों पे जावे, और कार ना वो चाहिए चार पहियों वाली जिसमें चार रो पहिये चले, फोर बाई फोर। हाँ ठीक है ठीक है। अरे बुड्ढा मुझे तो ऐसा लग रहा है लुटवाएगा मैं वहां ले जाके, और मुझे ऐसा लग रहा है भूत बन के यूं ही डरावेगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, अब चलो चलो भाई चलते हैं चलो। ये नक्शे की फोटो स्टेट करा लो, इसे लेते जाओ तुम्हें भाई, चार पांच जगह तुम्हें तो भूत मिलेंगे, चार पांच जगह भूत, डरना नहीं है बस, मैं मुकाबला कर। मार दिया मुझे ही, मार दिया मुझे, मार दिया बस। क्या कर रहा था? हाँ चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो हकीम साहब है, दवाई दो ही खा गए सही हो जाएंगे वे। बढ़िया अब मैं ठीक हो जाऊंगा। आराम से बैठा रहो भाई, आराम से बैठा रहो। छोटू दादा आराम से बैठा रहो, ज्यादा बोल रहा है तो यार मेरी, मैंने तो यार गोड्डे की जरूरत कर दी। ड्राइवर को देख ले क्या बोल रहा माइकल, ड्राइवर क्या करना है अब, इसने तो बहुत खतरों का रास्ता बताया है भाई, चलना तो पड़ेगा, अब देखते हैं आगे है कि नहीं। जब इस मंजिल पर चल पड़े हैं तो अब तो जो भी खतरे हैं देखी जाएगी, अब जो होगा देखा जाएगा। पहले यार इसे गाड़ी को चेंज कर यार, ये गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी यहीं बदल लो, नहीं कि रास्ते में गाड़ी नहीं मिलेगी। आगे ट्रांसपोर्ट है, आगे एक ट्रांसपोर्ट है वहाँ से चेंज कर लेते हैं, गाँव में एक हमारा प्रधान है उससे ले लेता हूँ मैं। हाँ गाड़ी अच्छी चाहिएगी यार, और बेवकूफ की बात तो मैं आ रहा तू। You make me look good, my friend. क्या प्रधान की बोतल प्रधान जी? अरे गाड़ी की इंतजाम करके दे रहे प्रधान जी, गए हैं गाड़ी लेने के लिए। गाड़ी लेने ठीक है, दांत वाला ट्रक मंगवा लिया तूने, लगते पड़े हुए हैं ये भूतों से हमारी शक्ति करेंगे। ड्राइवर अरे भूत डरेंगे इसे देख के भाई। चल भाई ड्राइवर तू गाड़ी चला यार, मैं साइड में बैठूंगा। मैं कहां बैठू? अरे बैठ पीछे आराम से, आराम से चढ़ के बैठ जा जिमी के पास। सही आ गया यार ये तो। चलो भाई चलो आराम से बैठ रही है, डर लग रहा मुझे। अम्मुनेशन से थोड़ा से हथियार ले लेता यार। अरे अंकल जी आराम से बैठे रहो यार, क्यों जिंदगी खराब कर दी तुमने हमारी, देख तो देख रहे हम तुम्हारे चक्कर में कहाँ आ गए हैं, कहाँ गए खाने के ना पीने के, यहाँ रेगिस्तान की रेत खा रहे हैं। ओ ज्यादा ना बोल ले बे भाई, पहाड़ी बच्चों बैठा रहो, समझा रहा हूँ तुझे अंकल, वरना तेरा चिप्स का पैकेट बना दूंगा तेरा। अरे ये सुन, वो सामने पहाड़ी देख रहा है ना, उस पे से रास्ता घूम रहा है। ठीक है ठीक है, दो तीन पहाड़ियों के बाद वो रास्ता शुरू होगा देखो। ओ पर उसने मेरी बात तो सुन ले, नक्शे में तो लिखा हुआ कि यहाँ पर इस पहाड़ पर जाने के बाद एक एलिजा नाम की औरत की डेथ हो गई थी, तो पहले हमें उसके पास जाना पड़ेगा जो रात के 12 बजे प्रकट होती है, और वो जब वो प्रकट हो जाएगी तो उससे वो बताएगी आगे का रास्ता। बुड्ढे ने ये तो बताया नहीं, नक्शे में तो लिखा हुआ। भाई बूढ़े ने आदमी ने ये बताया कि बहुत ज्यादा खतरनाक रास्ता है और भूत वगैरह बहुत ज्यादा मिलेंगे हमें, तो देखते हैं अब बाकी तो नक्शे में ही लिखा हुआ कैसे कहाँ जाना है। चलो कोई बात नहीं चलते हैं भाई, मैं नहीं पढ़ के बता दिया तुम्हें ड्राइवर, ना तो तुझे पता था किसी को नहीं पता था, यही ऊपर ले ले यहाँ की कहानी पता है तुम्हें क्या है? हाँ पता है यार। अच्छा बताऊँ कल वे आदमी मैं बताऊँ तो बस पढ़ ही रहा है, काम तो हम ही कर रहे हैं भाई। यहाँ पर था एक देव नाम का आदमी था और एलिजा नाम की उसकी औरत थी भाई,
तो वो इस पहाड़ पे अपनी बीवी को घुमाने लाया था। अच्छा। और वहाँ उसने कहने लग गया, ला मैं तेरी फोटो खींचूंगा, किनारे पे उसे खड़ी करके उसे धक्का दे दिया था वहीं से, मर गई थी बेचारी वो। हाँ अंकल सही बोल रहे हैं, मैंने भी पढ़ा है, किताब में भी है। हाँ। मैंने पढ़ा है, दूसरी हमारे है ना कॉलेज के लड़के बताते रहते हैं यहाँ पे है ना, देखो कितने खतरनाक रास्ता है अंकल जी। पर मेरी बात तो सुन लो। हाँ, पर वो तो रात के 12 बजे मिलेगी, इस किताब में लिखा हुआ नक्शे में। तो 12 बजे तक तो कार भी तो चलेगी भाई, देखो अभी कहीं पहुंच गएगा अभी। अबे ऊपर ही तो है किनारे पे। हाँ तो चलो फिर रुक जाते हैं यहीं पे, थोड़े स्टे कर लेते हैं। रुक जाओ कोई बात नहीं, ऊपर ले ले वो ड्राइवर तू गाड़ी, हम ऊपर ही वहीं खड़े होंगे, जैसे वो सामने हमारी आवेगी हम कम से कम उसके सामने तो होंगे। चलो ठीक है ठीक है, ऊपर कर लेता हूँ मैं गाड़ी। अरे चल जा मेरी धन्नो, एक तो यार मेरे पेट में भी दर्द हो रहा। ड्राइवर अरे अंकल जी तुम खाते ना पीते, तुम्हारे दर्द कैसे हो गया, बोने तो आदमी हो गए। पता नहीं भाई जी मी। ओ भाई अब गाड़ी यहीं लगा लो यार, थक गए, चलते चलते हम। वहाँ वहाँ आती है वो जहाँ दो पेड़ है ना, देख नक्शे के हिसाब से वहीं पर देख, देख दो पेड़ है दिख रहे पीछे तुम्हें, ये रे। हाँ हाँ दिख गए ठीक है, वहीं लेके चलता हूँ ठीक है। बस यहीं खड़ी कर लो, यहीं खड़ी कर लो, यहीं खड़ी कर लो बस। अब भाई अब गाड़ी उतरते नहीं यार, गाड़ी में बैठ रहो। अरे कुछ नहीं होगा, देख आजा ड्राइवर आगे चल भाग। देख ड्राइवर आजा आजा, देखो भाई देखो यहाँ पे आती है वो। देख रहे हो आग जल रही है यहाँ पे। कहाँ जल रही है? बुझ गई वो तो, अब उसकी इंतजार करनी पड़ेगी यार। यहाँ आएगी वो, यहाँ आएगी ड्राइवर, अब पता नहीं जहाँ भी आएगी अभी हमें उसकी इंतजार करनी पड़ेगी। चलो भाई इंतजार करते हैं एक बार तो उसकी। एलिजा जल्दी से आए। छोटू दादा तू कैसे आ गया, तू गिर गिर मत जाना। इस टाइम रात के 12 बज चुके हैं, देखो आ गई है वो खड़ी है। ड्राइवर तू बात कर, दिख रहा है तू कर बात जाकर। चलो मैं बात करता हूँ जाके। अभी क्या लेकर जा रहे, डंडा वंडा मत लेकर जा, कभी नाराज हो जाओ। ठीक है भाई ठीक है। मेरे तो फट रही है बिल्कुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। अबे ड्राइवर घोचू बात तो कर मैडम जी से। हाँ जी देखो हमारी समस्या है, हमारा एक बंदा है ये बहुत छोटा हो गया है, पर किसी ने हमें तुम्हारे पास भेजा है, उस दवाई का पता बता दो आप, बड़ी मुश्किल से आपके पास आए हम। आप हंसो मत, मुझे डर लग रहा है। मैं हंस नहीं रही, रो रही हूँ। ओ ड्राइवर इनसे पूछ मैडम जी क्यों रो रही है बिचारी। क्या हुआ क्यों रो रही है, आपको क्या परेशानी है? मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ से गिरा कर मारा था। अच्छा अच्छा भाई, इसके हस्बैंड ने गिरा कर मारा था यहाँ से। आपसे इसे पूछना, बता दो कैसे है फिर हमारा ये दोस्त कैसे बड़ा होगा, दवाई का पता एड्रेस दे दो हमको। मैं एक शर्त पे एड्रेस दे सकती हूँ। अच्छा क्या शर्त है वो आपकी, बताओ क्या शर्त है। मेरे हस्बैंड को मौत के घाट उतारना होगा। अच्छा जी वो कौन है इसका हस्बैंड, बताओ ड्राइवर कौन, पूछ कौन है, करना कौन है? फिर डेव है वो तो, जो हमने किताब में पढ़ा था। अच्छा वो लॉस सैंटोस में मिलेगा। अच्छा फिर आप पता बता दोगी? हाँ मैं पता तभी बताऊंगी, मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वो मरेगा। अच्छा भाई बताओ फिर क्या करना। हाँ मार देंगे मैडम जी, मार देंगे। जाओ मार दो उसे। चल बे चल चल जल्दी ड्राइवर चल। अरे पापा जी मुझे कितना डर लग रहा है इससे। चल बे चल भागो भागो भागो, तुम्हारी अगर तुमने उसे नहीं मारा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ओ भाई ये तो बोल रही है, अगर तुमने उसे नहीं मारा तो खत्म कर देगी। अबे मार देंगे ड्रेस जिम करे, बैठ जल्दी बैठ। अरे चलो भाई बैठ लो भाई, यहाँ तो बिल्कुल कितना डर लग रहा,
कितना भयानक रात है। चल बे चल, मुझे चढ़ने दे, मुझे चढ़ने दे जिमी। ओ भाई वो देख रही है अभी भी हमें, जिमी इतना डर ला, हमारी तरफ कोई देख रही, भाग लो फटाफट, भाग लो यहाँ से, जल्दी भगाओ अंकल, जल्दी भगा दो। ड्राइवर अब तू लॉस सैंटोस की तरफ ले ले। हाँ ठीक है भाई, मुझे भी वही उधर से ले लिया मैंने। यार मेरे तो हाथ ही कांप रहे अब तक। क्यों हाथ कांप रहे मेरे यार, कितनी खतरनाक थी भाई, बच गई भाई, जान बच गई हमारी। हाँ सही कह रहा है। मानो हाँ भाई, इतनी रात हो रही है यहाँ पे, देख रहे हो। अबे आराम से चला ले तू गाड़ी। हाँ आराम से चला रहा हूँ भाई, मेरे हाथ पैर कांप रहे, अब तू चला ला आके, ज्यादा होशियार बन रहा है तो, और बोल ले कम, आराम से बैठा रहो तू, वरना फेंक दूंगा तुझे, एक तो तेरी वजह से यहाँ पे आए हम। देख देख नीचे लोग खड़े हैं। हाँ हाँ इन्हें नहीं पता ऊपर क्या है। हाँ इनको नहीं पता, यहाँ आग जला के बैठे हैं, अगर इनको पता पता चल गया ना, भाग जाएंगे ये लोग यहाँ से। सही कह रहा तू, चल ट्रेवर जल्दी। हाँ। पर ट्रेवर हमें डेव का पता कैसे चलेगा? आप बताया तो भाई, इसने वहीं पे रहते हैं, कैसे पता चले? छोटू उस्ताद, ये पौवा, ये मुझे गिरा रहा है, आराम से बैठे रहोगे, उड़ जाएगा वरना हवा में तू। मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, चुप हो जा, चल ज्यादा बोल ला। तूने ना जिंदगी हमारी खराब कर दी, इस टाइम तो मैं गेम वेम खेलता रहता हूँ घर पे। 12 बजे तो गेम खेलता है, रात को ही खेलता हूँ, मजा आता है मुझे, और फोन पे बात करता रहता हूँ तेरी वजह से, यहाँ सर तो मर रहे हम। अब कहाँ जाना है? लॉस सैंटोस। पर एक बात तो बता माइकल, हमें उसका पता कैसे चलेगा देव का? अरे मुझे पता है वो कहाँ पर मिलेगा। ठीक है चलो भाई, या उसे सुबह मारते हैं या आज ही अभी मारते हैं रात में से? अरे अभी तो रात में मारेंगे भाई, अभी तो है भी भूतनी। हाँ ठीक है चलो, भूतनी तो फिर कल रात मिलेगी, आज हम उसे निमटाते हैं, कल रात में फिर भूतनी से मिलने चलते हैं। ठीक है भाई, इतनी जल्दी थोड़े मारते हैं उसे, अभी तो सुबह तक भी हम वहाँ भी पहुँचेंगे। लो चल चल, कोई बात नहीं, चलो चलो सीधा, रुकी ना मत कहीं, लगातार चलते रहो। ठीक है ठीक है। ये तो यार फर्स्ट चैलेंज है, अभी चैलेंज बहुत है मैप में यार, मैं सोच रहा हूँ इतने सारे चैलेंज पूरे कैसे होंगे। अबे हो जाएंगे, हम लॉस सैंटोस तो पहुँच गए। अबे माइकल तू पीछे क्यों आ गया? अरे ये ट्रेवर है ना। हाँ ये ट्रेवर बैठ के आ गया तो मैं क्या करता, ये बेचारा थक गया। मैं बैठ गया पापा जी, मुझे है ना पीछे ना उल्टी हो रही थी। लगता है तेरा बाप अभी भी थोड़ी थोड़ी दारू पी रहे है। अरे लाइव गार्ड नहीं होते जो पानी में समुद्र में से गिरते हैं, उन्हें बचाते हैं आदमियों को, वही जॉब करता है वो, वही जॉब करता है, और यही मिलेगा देख आस पास ही कहीं। ये नहीं है, ये नहीं है, अगला अगला आ गया है वो, फिर उसको आज ही खत्म करना है या बातचीत करके क्या बिचारा है। ये भी नहीं है उसने तो है। मेरी बात तो सुन, देव देव आ? देव शायद मैं जानता हूँ उसे। बता कहाँ पे है? इससे अगला ही होगा पक्का, हो उसी का है वो चेंबर। अच्छा 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 ठीक है चल रहा हूँ मैं, वही चल रहा हूँ, चिंता मत कर तू। इससे ना पहले पूछना कि डेव ही है या फिर कोई और है। ठीक है ठीक है ठीक है, यही है साला, ये मैं देखा हुआ है मेरा। रुक जा, वे वे क्या क्या माइकल तू पूछ इससे। हेलो हाँ जी सर जी, बताइए बताओ बताओ क्या हुआ, कौन गिर गया समुंदर में, कोई गिर गया आपका बंदा? अरे सर जी डेव आप ही हो क्या? हाँ हाँ मेरा नाम ही है, बताइए बताइए कोई समुंदर में गिर गया? अरे कोई मेरी अरे मेरी बात सुनो अंकल जी, देखो मैं कितना सा बच्चा हूँ, देख रहे हो मुझे? अरे बच्चे यहाँ पे नाना मनाया तुम्हारे जैसे लोगों का भाई, यहाँ पे मत नाना। अरे तुम लोग डूब जाते हो। अरे मेरी बात तो सुनो, हमने सुना है कि आपकी बीवी पहाड़ से गिरकर मर गई थी, हमने किताब में पढ़ा है। हाँ हाँ भाई वो है ना, हम लोग वहाँ पे घूमने गए थे पहाड़ों में, और उनका पैर फिसल गया। अच्छा फिसला या आपने गिराया? नहीं नहीं नहीं, उसकी दौलत पाने के लिए तूने उसे मार दी है ना? नहीं नहीं नहीं, उनका पैर फिसल गया था भाई, मैं भी जब से परेशान हूँ। ट्रेवर मैंने बस
फिर मरने के बाद मैंने दो शादी करी है। ट्रेवर यार, ट्रेवर बंदूक निकाल इसके भेजे यार दो गोली। ओए बंदूक नहीं, यहाँ पब्लिक प्लेस है, चाकू से काम कर दे ट्रेवर, चुपचाप। अरे कर दे यार, जैसे कैसे निपटा इसे यार। चलो मैं करता हूँ इसका दुकान। मेरे दोस्त को परेशान करेगा तेरी वजह से। एक औरत परेशान हो रही है, हर रोज रात के 12 बजे आती है वो बेचारी, इतना परेशान हो रही है। ट्रेवर मार दिया क्या तूने? आत्मा को मुक्त मिल गई। निकल लो यार, अब निकलो यार यहाँ से, अब निकलो। पड़ा फोटो फोटो ले लेता हूँ, उसको दिखाना भी है ना। पर उसे तो भूत भूत नहीं, उसे तो पता चल गया होगा, पर कोई नहीं फिर भी पता चल गया होगा भाई। फोटो लेना, चलो ठीक है, जल्दी जल्दी। अब 12 बजे से पहले पहले पहुंच जाए, 12 बजे पहुंचना है, मैं आराम से चलेंगे। अरे रात के 12 बजे जल्दी बैठ लो, जल्दी जल्दी। हां आगे बैठ, तू मेरे पैपी पास बैठ तू। अबे यार ना ना, पापा ही बैठेंगे, पापा ही बैठेंगे। मैं यार मेरे सिर में दर्द हो गया, बोलता बहुत है एक तो। ओए यहां पर पुलिस को तो नहीं पता चला, पर क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं, अगर चल भी गया तो क्या कर लेगी पुलिस हमारा। ऐसे ऐसे डेव को तो मैं पता नहीं कितनों के निपटा देता हूँ। तेरा भाई डॉन है जिमी, अभी भी डॉन है तू भाई। नहीं आदमी, नहीं नहीं अपुन ना, तू सिर्फ चुप नहीं हो रहा, हो नहीं रहा चुप, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। आया लड़ेगा तू मेरे साथ? नहीं, बाहर निकल के मारो बस। अरे यार चुप बैठ जाओ यार, चुप बैठ जाओ, फटाफट यार भूतनी के पास ले लो गाड़ी। हाँ भाई चला रहा हूँ। भूतनी तो यार रात 12 बजे मिलेगी, अभी से क्या करें भूतनी के पास। अबे ओ माइकल, वहाँ पहुँचते भी तो 12 बजेंगे, रात चले थे तब, अब पहुँचे सुबह तक। भाई रास्ते में कॉफी वॉफी तो पिला दो यार, कम से कम सिर में दर्द हो रहा मेरे। 8 घंटे का सफर है भाई पहाड़ का। यार मैं तो रात इतना डर लग रहा था उससे बात कर दे, मुझे फिर उसके सामने जाना पड़ेगा। यार तुम चले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, जब आगे का कोई नेक्स्ट चैलेंज देगा तो मैं चलूंगा। ओ बस रहने रहने, हल्का हाथ रख ले माइकल दादा। चलो यार किसी रेस्टोरेंट पर रुकते हैं, फिर सुबह रात में चलेंगे, ठीक है? क्योंकि अबे ओ मेरे बाप, चल ले यार, तू चल ले यार, क्यों देख रहे हो? इंजन में से आग निकल रही है, आग चलते चलते इतनी गर्म हो गया कि आग निकलने लग गई इंजन में से। अब तो भाई पहले इसको सही कराना पड़ेगा, फिर कल जा पाएगा। देख रहे हो किस कदर आग लग गई है यार, और ये 24 घंटे से चल ही रहा है, 24 घंटे से चल ही रहा है। ओ फट गया तेरा ट्रक, फट गया। अब क्या होगा? अब इसको पहले सही कराना पड़ेगा, फिर जब ही जाएगा। यार दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि श्राप ही है, जो बहुत बड़ा श्राप मेरे ऊपर लग गया। बट कोई बात नहीं दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड तक आप बने रहिए, हम कल जाएंगे उस भूतनी के पास कैसे भी करके। अभी तो रात होने में भी दोस्तों वक्त है, किसी गाड़ी का इंतज़ाम करके और देखेंगे भाई वो भूतनी आगे क्या रास्ता में देगी। खैर उसकी आत्मा को तुमने जो है शांति यहाँ पर दिला ही दी है। आई होप कि वाला एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, लगा तो प्लीज़ वीडियो कर दो लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब। बाकी हम मिलते हैं आप सबसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।